तो सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं चाय पी रहा हूँ, तो मैं मीरामार जा रहा हूँ एक बाइक का टेस्ट ड्राइव लेने। और ऐसे नहीं जा रहा हूँ, अपने बाइक पे जा रहा हूँ, मोटो ब्लॉग करते हुए जा रहा हूँ। बहुत दिन के बाद मोटो ब्लॉग करने जा रहा हूँ। दिस इज नॉट माई बेडशीट। तो भैया हम आ गए वापस अपने बाइक पे, और आई थिंक मोटर ब्लॉग में बना रहा हूँ आफ्टर आई डोंट नो 4 to 5 months। तो अभी हम जा रहे हैं पैंजिम, और पैंजिम के बाद जाएंगे हम मीरामार। मीरामार मेरा कॉलेज होता है, मीरामार में ही जावा शोरूम है। इधर एक तीसरा मांडू ब्रिज बना हुआ है, और उसका नाम है अटल सेतु रखा हुआ है उसका नाम। द बेस्ट थिंग ऑफ दिस ब्रिज इज अपना झंडा, क्योंकि जब ये देखते हैं तो कुछ अलग ही फीलिंग आती है, बहुत मजा आता है देखने में। जावा पहुंच गए जल्दी। तो अभी मैं जावा शुरू में हूँ और फॉर्म भर रहा हूँ ड्राइविंग लाइसेंस देके, टेस्ट ड्राइव लेना है। आई एम गोना टेस्ट ड्राइव बोथ द बाइक्स। इधर बस दो ही बाइक्स हैं, दोनों 300 cc हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो दिखाता हूँ। एक तो वो लाल वाली है और एक वो जो बाहर है, पता दिख नहीं रहा होगा ठीक से। मैं एक मैजिक दिखाने वाला हूँ, और इन 3 2 1। तो ये है पीयूष और ये है निसार, एंड दिस गाइस वर्क ओवर हियर, दिस आर द पीपल हु बेसिकली रन दिस प्लेस। ये जावा 42 है, और इनमें अभी भी वो रेट्रो की है, तो इधर से डाल के इग्निशन स्टार्ट करना पड़ता है। क्या भागती है ये। तो ये जावा 42 है, और फर्स्ट गियर में इट गोस अराउंड 50 मैन, इट इज डोप। 40 to 50 आराम से पहुंच जाती है। और तो थोड़ा सा मैंने चलाया अभी, और थोड़ा सा पता चल रहा है इसके बारे में, एग्जैक्टली नहीं पता कैसे क्या हो रहा है। तो अभी इसकी एक्चुअल टेस्ट शुरू होगी। तो राइट नाउ अभी ऑन हाईवे, और ये यूनिवर्सिटी हाईवे है, स्ट्रेट रोड गोज टू यूनिवर्सिटी। हेलो आंटी, चलो 40। तो इस बाइक में वाइब्रेशन है थोड़ा सा, मतलब भी क्लासिक को क्लासिक की तरह चलाएंगे, ज़्यादा रेव नहीं करेंगे, बिकॉज
क्लासिक है, रेसिंग बाइक नहीं है। तो इसकी पोजीशनिंग बहुत ही अच्छी है, जस्ट लाइक एनी अदर बाइक। और इसका हैंडल बार 40 है एंड गिव्स यू अ नाइस फील। मुझे सबसे अच्छी बात लगी ये इसकी स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर मतलब कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है एंड इट गोज अलॉन्ग विद द हेडलाइट। और आराम से चलाने बोले तो मक्खन है यार, हाथ भी छोड़ के देख के तो स्ट्रेट जाएगा, अलाइनमेंट नहीं हो रहा इधर से उधर तक ज़्यादा। एंड द बेस्ट थिंग इज द ट्विन साइलेंसर, टूरिंग है बहुत। तो इसका टॉप स्पीड मैं नहीं कैलकुलेट कर पाऊँगा बिकॉज ये शोरूम की बाइक है और बंदा पीछे बैठा हुआ है तो वैसे भी टॉप स्पीड नहीं जा पाएगी ये। ये है बेसिक जावा और हैंडल बार इसके हेडलाइट के हेड से होके जाता है। और दिस इज बेस्ड ऑन द एंटिक जावा दैट वाज फर्स्ट बिल्ड। और ये अंकल कहीं से भी घुसा रहे हैं। हाँ, तो डिफरेंस ये है कि दोनों जावा मैकेनिकली सेम है और लुक वाइज फिजिकली डिफरेंट है। द 42 लुक्स बेटर देन द क्लासिक जावा, पर्सनल ओपिनियन है। Let me tell you, दोनों bikes mechanically same हैं, but physically different हैं। तो वैसे भी मैं इन bikes के ज़्यादा depth में नहीं जाऊँगा। According to me, these bikes are gonna perform pretty well in the market. और I think Royal Enfield will have kind of somewhat of competition. लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत different लगी कि it had, I'm a Royal Enfield owner, so मैं खुल के बोल सकता हूँ कि Royal Enfield has more power compared to Jawa right now because I felt that. Because I've been riding Royal Enfield for the past 3 years. So, but these bikes are gonna perform extremely well. 300cc ki dono hai. Khatarnak. So, main video idhar hi khatam kar raha hu. Aur bas.